सर, आपकी बड़ी कंपनी है और जाहिर तौर पर कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि पहले जो माइंडसेट होता था कि चलिए एक चश्मा ले लिया जो कंफर्टेबल है और साफ दिख रहा है, आप ग्लास लेंस से प्लास्टिक लेंस की तरफ बढ़ गए हैं तो चश्मे का वेट थोड़ा कम हो गया है, क्या उससे अब जनता बदलकर हैव मूव्ड ऑन टू मोर स्टाइलिश ग्लासेस, मोर ब्रांडेड ग्लासेस? क्या ये ट्रेंड शहरों में आपने बदलता हुआ देखा है? अनुया, चश्मे के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है फ्रेम और एक होता है लेंस। लेंस वो है जिसकी कि आपकी आईज को जरूरत है, जो कि आपकी आईज को करेक्शन दे रहा है और आपको कंफर्ट दे रहा है। और फ्रेम एक, मैं कहूँगा, एक एक फैशन एसेसरी है। ओके, इट इज एन एसेसरी बाय विच यू कैन लुक गुड, यू फील गुड, एंड एट द सेम टाइम वहाँ ब्रांड्स भी आते हैं। तो यू नो योर योर एफिनिटी टुवर्ड्स ब्रांड्स और द वे यू लाइक टू be happy towards is that angle which comes. But the real thing that goes inside is the lens. And the lens is the one which makes you feel comfortable. It gives the correction that your eyes require. Not only in India, but even विदेशी देशों के अंदर में लोगों को ये समय बहुत लगा था समझने के लिए कि अगर एक अच्छा लेंस है तो वो थोड़ा महंगा हो सकता है. ओके, एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई पीपल इन इंडिया स्टिल फील कि अरे भाई, ये चश्मा अगर 5,000 रुपए का है तो ये महंगा है, ये तो बहुत सस्ता है, इसमें तो सिर्फ कांच लगता है। बहुत बार लोग समझते थे कि कांच को सिर्फ ग्राइंड करके उसमें लगाया जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बहुत सोफेस्टिकेटेड है। और ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वो बहुत उसको स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मेजर से देखा जाता है और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसीलिए उसकी एक सर्टन वैल्यू होती है। नेवरदलेस, थ्रू योर स्पेक्स, हम लोग का ये अटेम्प्ट है कि फॉर द इंडियन पब्लिक वी शुड बी एबल टू ऑफर गुड क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। तो सारा मैसेज सिर्फ ये है कि गुड क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस एंड अ वेरी गुड फिटमेंट ऑफ द स्पेक्टिकल विच वॉज अर्लियर नॉट एग्जिस्टिंग। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे छोटी बड़ी हर तरह की कंपनीज हैं जो कि कहती हैं हमारे से आइए चश्मा लीजिए, हमारे पास हर तरह के चश्मे हैं। बट मुझे ये थोड़ा जी लगता था कि भाई कोई ये क्यों नहीं कहता कि चश्मा वो लीजिए जो आपके ऊपर में फिट करना चाहिए, राइट? ताकि कभी आपको सोशल प्रॉब्लम्स ना हो, कभी आपको किसी टैबू को फेस ना करना पड़े, कभी बच्चों को बुली ना होना पड़े जब वो एक स्कूल में जाते हैं या जब एडल्ट एक मैरिजेबल एज के होते हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो दोज वर ऑल्सो द सोशल रीजन वाई वी जी स्टार्टेड दिस बिजनेस। And I feel that that is the way to go for here in India. विवेक सर, आप पिछले कई सालों से इस बिजनेस में हैं, मुझे बताइए 2005 से लेकर 2021, शहरों में तो ये बदलता हुआ ट्रेंड समझ में आता है, 70 से ज़्यादा स्टोर्स आपके हैं और ख़ास तौर पर बड़े शहरों में ही आपके स्टोर्स हैं, लेकिन सर अगर छोटे शहरों की बात करूं तो क्या देखा है आपने? क्या वहां से भी ज़्यादा डिमांड आ रही है ऑफ बेटर क्वालिटी ग्लासेस, ऑफ बेटर स्टाइल, बेटर फ्रेम, ये बदलाव देखने को मिला है सर? सो देखिए, ऑफ कोर्स छोटे शहरों के अंदर में एक बदलाव जरूर है। छोटे शहरों में जिस तरह से एजुकेशन का चेंज आया है, जिस तरह से सैनिटाइजेशन का चेंज आया है, जिस प्रकार से अवेयरनेस बढ़ी है ऑन सेवरल फैक्टर्स, उसी प्रकार से लोगों की अवेयरनेस आईसाइट की तरफ भी बढ़ी है। एंड ये एक ऐसा बदलाव है अनुया जो कि अगले 10-15 साल तक इंडिया में चलता जाएगा। एंड आई डोंट सी, स्पेशली विद द गुड थिंग्स दैट द गवर्नमेंट इज डन इन द लास्ट 1.5 टर्म्स, ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया एक और जो है, बाय द टाइम वी विल बी 2025, वी विल सरपास जर्मनी एंड फ्रांस बोथ इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट ऑन द ऑप्टिकल साइड इन इंडिया। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट डे इज नॉट फार कि जब हम यूएस के भी आसपास होंगे। विवेक सर, बजट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगले महीने बजट है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी बजट से इस बार, अगर बताना चाहें तो? चलिए, थोड़ी सी अगर अगर बजट की बात करें तो मैं ये सोचूंगा कि एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा और बढ़ावा मिलना चाहिए, राइट? एक दो इस तरह की स्कीम्स थी जहां पर कि कुछ ड्रॉबैक्स थे जो 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 मिड साइज इंडस्ट्रीज और कंपनीज को मिला करते थे, स्पेशली व्हेन इट केम टू एक्सपोर्ट।
वो फिर से लौट के आने चाहिए. एंड जनरली स्पीकिंग आई थिंक अगर हम इंडिया की बात करें एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, तो यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि हम लोग एज जो यहाँ के ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो छोटे से छोटे शहरों में, उनसे भी छोटे गांव में जा सकें. अभी यहाँ पर इंफ्रा की बहुत ज़रूरत है. सो आई फील दैट देर शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुश ऑन द इंफ्रा गोइंग बाय दिस बजट एंड मे बी इवन द नेक्स्ट कपल ऑफ बजट्स. सो प्योरली ऑन दैट साइड आई फील दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन आवर कंट्री कि हम लोग किसी किसी तरह से छोटे शहरों में या और छोटे गांव में पेनिट्रेट कर पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे. विवेक जी, क्योंकि आपने एमएसएमई की बात की, मुझे बताइए कि पीएलआई स्कीम जो है वो सरकार लेकर आई है यहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, सेक्टर को पुश मिले, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि $5 ट्रिलियन का जो प्रधानमंत्री का सपना है 2025-26 तक पूरा करने का, उसमें एमएसएमई एक अहम रोल निभा सकता है। 13 सेक्टर्स को ये पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पर रखा गया। आपको लगता है कि इन सेक्टर्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उस मेड इन इंडिया की मदद से ही उस टारगेट को छुआ जा सकता है जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सेट किया है? अनुया, मैं अभी बहुत डिटेल में पढ़ूंगा पीएलआई के बारे में, लेकिन मैं आपको अपने विचार बताता हूं जो मैंने अभी तक समझा है एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार. देखिए, एमएसएमई इज अ वेरी वेरी जी सर, इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर आवर कंट्री. वन ऑफ द रीजन इज कि आप चाहे देख लें तो जो लार्ज सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, दे आर द टू लार्ज एरियाज, बट द एंटायर स्पेस इन बिटवीन इज ऑल एमएसएमई. एंड अगर हम लोग कुछ डेवलप्ड नेशंस या ऐसे नेशंस जो कि रिसेंटली डेवलप हुए हैं, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल, फॉर दैट मोमेंट अगर हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं, सो इन दैट केस कुछ ऐसी चीजें जो कि इन 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 कंट्रीज ने करी थी, वो ये था कि उन्होंने अपने एंड पर एमएसएमईज को, बिजनेसेस को काफी बढ़ावा दिया था. उनको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिडरीज, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, ये दिया था ताकि दे को डेवलप इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स. जैसे ही एक कंट्री प्रोडक्ट्स को इंडिजीनियस बनाने लग जाती है, तो नॉट ओनली इज द कंजम्पशन इजियर, बट ऑल्सो इट इज एम्प्लॉइंग मोर नंबर ऑफ पीपल, एंड देयर फोर अगेन द सेविंग इज कमिंग बैक इन टू द कंट्री. सो इट यू नो इट इट हेल्प्स इन मेनी वेज. एंड I also feel that the PLI scheme from that perspective is a very good scheme, and it should definitely be on the table for all the MSME entrepreneurs. इसके साथ साथ में कुछ subsidies भी आनी चाहिए, which I feel that can help emerging businesses or that can help businesses in general. फिलहाल जिस स्थिति में हम लोग हैं उसे थर्ड वेव कहा जा रहा है, नंबर्स लगातार कोविड के बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उससे पहले के 3 महीने काफ़ी क्रूशल होते हैं, क्योंकि आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स आपने सेट किए होते हैं उन्हें पूरा करने का कहीं ना कहीं पर ये आखिर के 3 महीने होते हैं। आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं सर अगले 3 महीनों में? हालांकि नंबर्स बढ़ रहे हैं, आपने आपने नई नई तरह की स्कीम एक तरह से आप लेकर आए हैं कि आप घर पर आईवेयर जो है अपना वो टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको वो चश्मे आपके घर तक यहाँ पर पहुंचा देंगे। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं सर अगले 3 महीने में? अनुया जी, अगर मैं जीके भी आई केयर या योर स्पेक्स की बात करूं, तो देखिए जीके भी आई केयर या योर स्पेक्स एक ऐसा मॉडल है जो कि कोविड प्रूफ है इन अ सर्टन वे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आप चश्मे खरीद सकते हैं ऑनलाइन, और दूसरा आप एक सेफ एनवायरनमेंट पे अपने घर खुद के घर के एनवायरनमेंट में एक अपना होम आइटम ट्राई ऑन करा सकते हैं. आगे चल के हम बहुत जल्दी योर स्पेक्स ब्रांडेड स्टोर्स भी खोलने वाले हैं साल के अंदर में. सो ऐसा अगर आप देखें तो दिस मॉडल इज ठीक है मोर सर। कोविड प्रूफ देन दी अदर मॉडल्स, बट या नेवर द लेस दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स फॉर ऑल बिजनेसेस, वेयर जो ये लास्ट के 3 3 महीने होते हैं इंडिया के, ये बेस्ट मंथ्स होते हैं. एंड दिस आई हैव सीन फॉर द लास्ट 15 ईयर्स दैट दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ्स जस्ट बिफोर यू एंड द फाइनेंशियल ईयर. एवरीबडी इज आउट टू कम्प्लीट टारगेट, सो देयर फोर कंपनीज गिव आउट द बेस्ट डिस्काउंट, दे आर होल्डिंग द बेस्ट काइंड ऑफ प्रमोशंस. एट द सेम टाइम इवन जो यूजर्स होते हैं वो भी कुछ डेप्रिशिएटिव बेनिफिट्स लेने के लिए
इस टाइम पर अपनी परचेजेस करते हैं, खासकर जो कैपिटल परचेजेस होती हैं लाइक कार्स और यू नो एनी काइंड ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, पीपल प्रेफर टू बाय एट दिस टाइम बिकॉज दे विल इमीडिएटली गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द ईयर एंड. सो यस, दीज आर टफ टाइम्स बट नेवरदलेस आई थिंक फॉर योर स्पेक्स ठीक है विवेक सर. या इट्स बीन ग्रेट जर्नी, सो एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इवन मोर ओवर द नेक्स्ट 3 months. बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको, आपका बिजनेस इसी तरह से फले फूले और 2022 आपके लिए बहुत सारी खुशियां यहाँ पर लेकर आए, जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं उन्हें भी आप अचीव कर पाए. थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक यू अनुया. मेड इन इंडिया के इस